गुरु प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले काफ़ी दिनों तो असी तीसरे घल्लूघारे की दुखदाई विथिया जानण की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सांझ पा रहे हैं। 22 जुलाई नूं खिमा करना 22 जून 1984 नूं 2 घंटिया वास्ते दरबार साहब संगतां दे दर्शन वास्ते खोलिया गया। इस तो पहला संगतां पूरी तरह दरबार साहब के दर्शनों तो वांझिया रही, सिर्फ अंदर फौज का पहरा सी ते कहन नूं मर्यादा चलाई जा रही सी। लेकिन जिथे संगतां ही नहीं जा सकदियां उत्थे मर्यादा कादी, किस गल दी मर्यादा, किस दे वास्ते मर्यादा। खैर 22 जून नूं 2 घंटे लई खोलिया गया, संगतां तड़फ रही सन दर्शन वास्ते ता के उत्थे पहुंचिया। लेकिन तलाशी तलूशी लै के बड़े घट एक गिनती दे लोकां नूं छोटे छोटे जत्थियां च जान दिता गया। 2 दिन यह सिलसिला दर्शनों का जारी रहा, उहदे बाद फिर जिहड़ा वो बंद कर दिता गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा खोलिया गया, लेकिन उही 2-2 घंटे का समा पहला दिता गया। संगतां अकाल तख्त के ठे सरूप नू देख के, बाकी होई बर्बादी नू देख के ताहा मार के रो रही सन। कोई अख ऐसी नहीं जिहड़ी गिली ना होई होवे, कोई जबान ऐसा नहीं जिथे पुब्बाणा निकलिया होण। शायद संगतां ने कदी सुपने विच भी नहीं सी सोचिया कि साढ़े सिक्खी दे केंद्र दे उत्ते इस तरह का जुलम ढाया जा सकता है। दर्शन करन जाण वालियां दे विच जिथे श्रद्धालु संगतां सन उत्थे तमाशबीन भी सन, जिहड़े इह देखण गए सन कि किड्डी वड्डी जित प्राप्त कीती साडी फौज ने। इह सिलसिला इतना लमकिया कि फौज बस सिर्फ 2 घंटे लई संगतां नूं जाण दिंदी, बाकी फौज दा ही कब्जा। आखिर सिख आगुआं ने रल के सरकार नूं एक अल्टीमेटम दिता कि जे तुसीं इन्ने दिनां दे विच दरबार साहिब खाली नहीं कीता तां असीं मार्च करांगे दरबार साहिब वल। पहलां बाबा दीप सिंह शहीद दे गुरद्वारे एक इकट्ठ होया, उहदे विच ऐलान कीता गया। हालांकि संगतां चाहुंदियां सन कि हुणे मार्च कीता जाए, और सरकार दीआं वड्डीआं पाबंदियां दे बावजूद लोकां दे घरां चों टप के संगतां उत्थे बाबा दीप सिंह शहीद दे गुरद्वारे पहुंचियां सन। लेकिन अकाली आगू भी शायद यह नहीं सी चाहुंदे कि दरबार साहिब दी यह हालत संगतां वेखण, इन्हां दी भी उन्हां नाल कुछ ऐसी सांझ सी। ये उन्हां नूं वध तों वध समां देना चाहुंदे सन कि वह पोचा पोची कर देन। उन्होंने संता सिंह निहंग नूं हथ ठोका बना के सरकार ने उसदे कोल अकाल तख्त साहब की सेवा भी कराई। ये जो जख्म दिते कांग्रेस सरकार ने दिते, इंदिरा गांधी ने दिते, लेकिन दूसरों ने साडे नाल किन्नी प्यार निभाया, वफादारी निभाई, वह भी सानू वेखना पवेगा। साडे दर्द दे उत्ते, साडे जख्मां दे उत्ते मलम लाया के नमक रगड़िया। भारत के सबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें पार्लियामेंट दे विच बयान दिता कि इंदिरा गांधी जिहड़ी है ये दुर्गा देवी का रूप है, ये दुर्गा देवी मुड़ के प्रगट हुई है जिन्हें राक्षसां का नाश किया, और इन्हां दी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे ही दूसरे एक बड़े आगू लाल कृष्ण अडवाणी जिहड़ा सबका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा, उन्हें अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ दे विच लिखिया कि साड़ी पार्टी ने और खास तौर पर मैं इंदिरा गांधी ते सब तो वध दबाव पाया कि फौरी तौर दे उत्ते दरबार साहब दे उत्ते फौज नाल हमला करे ते फौज दी ताकत नाल राक्षसां कोलों दरबार साहब नूं आजाद करावे। ये विचार सन साढ़े सहयोगियों दे जिन्हां दे नाल बादल सरकार दी लंबे समय तो सांझ है।
ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਮਕ ਰਿਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।